What's up everyone, I hope you're doing absolutely fine. Welcome to Unwrap Sindhi. Aaj hai Rath Yatra. And the first time, main jab se yahan pe hoon, this is the first time ye nahi ho raha hai. I'm really missing that yaar. Aaj hai Seedha Rath. Ek hafte baad hoga Ulta Rath. Seedha Rath mein na, रथ यहाँ से आता था और उस साइड जाता था, पूरा एकदम भीड़ होता था. नो इतने लंबे लंबे, लाइक एक किलोमीटर शायद रस्सी होगा इतना लंबा, एक किलोमीटर नहीं. बट अभी तो कुछ कर नहीं सकते, इज द फर्स्ट टाइम ये हो रहा है. एंड पुरी में भी कैंसिल किया जा रहा था ये रथ यात्रा. बट आई केम टू नो अबाउट समथिंग कि पुरी में ऐसा रूल है, वहाँ पर कोई नियम है फ्रॉम ए वेरी, मतलब जब से वो मंदिर है तब से ही नियम है कि अगर कोई भी साल पुरी में रथ यात्रा नहीं होता है फॉर एनी रीज़न, अगले 12 सालों तक नहीं होगा रथ यात्रा. इवन इफ इट इज़ पॉसिबल टू होस्ट दैट इवन, नहीं होगा. सो इन ऑर्डर नॉट टू मेक दैट हैपन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सिर्फ पुरी का रथ आज होगा, होस्ट किया जाएगा, आज रथ यात्रा होगा वहाँ पे, और नोवेयर इन द वर्ल्ड विल दैट हैपन. कोरोना की वजह से और क्या क्या हो रहा है, राइट? आई एम रियली मिसिंग दैट डे. मतलब हर साल यहाँ से लोग जाते थे. आई यूज़ टू होल्ड द रोप एंड आई स्टिल यूज़ टू वॉक. बहुत सारा, मतलब वहाँ से यहाँ तक हम लोग चले जाते थे, फिर प्रसाद देते थे, बहुत अच्छा लगता था. नहीं होगा अभी. सो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाला रूम पूरा जिम सेटअप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. एंड क्लीनिंग चल रहा है, थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है पहले से, और भी ये वाला क्लीनिंग बाकी है. यहाँ पर क्लीनिंग बाकी है, क्लीनिंग इन द सेंस शिफ्टिंग या फिर बाहर फेंको उसको. सो वो करते करते मेरे को एक कॉपी मिला, दिस वन. दिस इज फर्स्ट सेमेस्टर का कॉपी है, लेट मी शो यू. वेल तो ये है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कॉपी, फर्स्ट सेम में था. एंड दिस इज डीसी करंट, किरचॉफ्स लॉ मैं देख रहा था, मैक्सवेल्स मेस एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, कुछ भी याद नहीं है, सच बता रहा हूँ. ऑल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव, आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन थीटा, कुछ भी याद नहीं है. आई कैन नॉट रिमेंबर एनी ऑफ दिस. आर एल सीरीज, आर सी सीरीज इज देयर आई गेस, आर एल सी सीरीज. सो ये जो सब्जेक्ट था ना, ये इलेक्ट्रिकल, मेरे को एकदम नहीं आता था. लाइक मैं बहुत कोशिश करता था बट फिर भी नहीं आता था. एंड कॉलेज में ना एक इंटरनल एग्जाम होता था, दैट इज 40 मार्क्स एग्जाम. एंड गेस मेरे को कितना मिला था? मेरे को 1 out of 40 मिला था. येस, फ्रॉम दिस एग्जाम, मतलब आई एक्चुअली फेल्ड. सो ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं समझ आता था कुछ भी, अभी भी नहीं. आई कैन नॉट रिमेंबर एनी थिंग फ्रॉम दिस कॉपी. और मम्मी ये देख के मेरे को कुछ नहीं बोला था मम्मी ने. सो दैट्स अ वेरी गुड पेरेंटिंग स्किल एक्चुअली. अगर कोशिश कर रहा है बच्चा तो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, सो फिर उसको बातें सुना के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ही एक्चुअली हैड ट्राइड. वेल बहुत दिनों से कुछ सामान यहाँ पे आए हुए हैं, और मैं इस सामान को ऐसे ही रख देता हूँ ताकि जो भी कोरोना अगर इसमें है तो ये 3-4 दिन ऐसा रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा. सो ऐसे हम रख देते हैं. और सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू शो यू, सो लेट्स गो. सो अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है. ये बहुत दिनों से आया हुआ है, लाइक 1-2 हफ्ता हो गया है एंड आई डिडंट एक्चुअली ओपन. ओके, सो इसमें एक्चुअली शैम्पू है, मेरा शैम्पू खत्म हो गया था. सो आई यूज वेला. एंड मैं ऐसे 3 शैम्पू यूज़ करता हूँ. एक है दिस इज़ फॉर द नॉर्मल वॉश, सेकेंड इज़ फॉर द एंटी डैंड्रफ, वो हबीब वाला है, एंड द थर्ड वन इज मामा अर्थ ऑनियन शैम्पू. कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ जब ज़्यादा पानी होता है, मतलब वो एक्चुअली सर से जाता नहीं है, द फोम एक्चुअली बहुत स्टिकी काइंड ऑफ है, आई डोंट लाइक इट. ओके, सो दिस इज बेसिकली शेकर. सो दिस इज नोवास. यहाँ पे एक मिक्सर भी आता है, काइंड ऑफ स्प्रिंग शेक करने के लिए. सो दिस इज 700 ml का ये शेकर है, एंड इट्स प्रीटी गुड. दिस इज बेसिकली योगा मैट.
बहुत रबर काइंड ऑफ स्मेल आ रहा है. दिस इज द योगा मैट. इसमें योगा शायद नहीं करूंगा बट दिस बाप रे सो स्ट्रॉन्ग स्मेल मैन. इसमें वेट्स रखने के लिए मैंने इसको लिया था क्योंकि फर्श पे वेट रखने से अगर कुछ होता है तो फॉर सेफ्टी योगा मैट में वेट्स रखने के लिए रखा था. एंड देन इज द लास्ट बॉक्स. सो मैंने इससे पहले कभी भी प्रोटीन नहीं पिया है. व्हाई आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस ओनली रीजन वाज देखो लॉकडाउन से पहले लाइक प्रायर टू लॉकडाउन मैं हफ्ते में शायद 4 दिन चिकन खाता था एंड शाम को 2 अंडे कभी कभार 1 अंडा. तो आई यूज़ टू हैव अ गुड डाइट. मैं मेंटेन करता था अच्छा बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन आई कैन नॉट गो आउट. आई कैन नॉट हैव दिस फूड. मतलब बाहर इन दिस नॉट फास्ट फूड नॉट चिकन मतलब फास्ट फूड चिकन ना अच्छा वाला प्रिपेयर किया हुआ कैंटीन से मिलता था ऑफिस में. सो आई कैन नॉट आस्क माई मदर टू डू द सेम एवरी डे राइट. सो डाइट में यू नो प्रोटीन्स मिनरल्स विटामिन्स बहुत कम हो रहे हैं अभी. सो फॉर विच आई फिगर्ड आउट कि मेरे को ऐसा कुछ लेना चाहिए विच कैन एक्चुअली सप्लाई मी ऑल दिस प्रोटीन्स ऑल दिस विटामिन्स मिनरल्स. सो इसके लिए मैंने ये ऑर्डर किया था. ऐसा भी नहीं है कि मैं एक्चुअली बॉडी बनाना चाहता हूँ ऐसा कुछ. आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ फिट क्योंकि मैं बहुत लेजी हो रहा था. आई हैव सीन दैट आई एम बिकमिंग वेरी लेजी. सो लेजीनेस हटाने के लिए आई विल बी वर्किंग आउट क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दैट मैं वर्कआउट्स चालू कर रहा हूँ. अब इससे मेरे को एक अच्छा डाइट मिलेगा अलॉन्ग विद द वर्कआउट. हेल्थ कार्ड का है ये. आई थिंक मेरे को गलत प्रोडक्ट मिला है. लेट मी चेक. सो मैंने इधर उधर बहुत देखा एंड एक्चुअली आई फाउंड आउट कि दिस इज़ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ वॉट आई हैड ऑर्डर्ड. सो दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट प्रोटीन यू कैन से. सो मैंने इसका रिव्यूज़ देखा था बहुत अच्छा है. इट्स अ गुड थिंग स्टार्टिंग में यू नो नॉट फॉर बिल्डिंग बॉडी जस्ट फॉर हैविंग अ नॉर्मल डाइट जो मेरे को चाहिए था बैलेंस डाइट. सो दिस इज़ अ थिंग. बट मैंने ऑर्डर किया था ये वाला. दिस इज़ एक्चुअली 50% प्रोटीन यू कैन से. 50% प्रोटीन वे प्रोटीन एंड केसिन प्रोटीन मिक्सड है. सो दिस वॉज समथिंग दैट आई हैड ऑर्डर्ड एंड इन दिस 50% प्रोटीन जो मैंने ऑर्डर एक्चुअली किया था इसमें यू कैन सी हियर यहाँ पर लिखा है 50. सो 100 ग्राम में 50 ग्राम इसमें प्रोटीन आता है जो मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअली 50% प्रोटीन 50%. सो यहाँ पे वो नहीं यहाँ पे 30% प्रोटीन है. सो दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू. और यहाँ भी यू कैन सी दैट लिखा हुआ है. आई विल हैव टू ट्रस्ट इट राइट. वे प्रोटीन सोए प्रोटीन SOY एंड केसिन प्रोटीन. सो दीज आर द प्रोटीन्स यूज्ड हियर. एंड बेस्ट थिंग अबाउट माई फर्स्ट प्रोटीन इज दैट कि यहाँ पे कोई शुगर एडेड नहीं है. इसमें एक्स्ट्रा शुगर एडेड बट इस वाले प्रोटीन में 50% प्रोटीन में हेल्थ कार्ड का इसमें शुगर कंटेंट था एक्चुअली है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो आई डोंट थिंक आई विल एक्चुअली रिफंड दिस क्योंकि टेक अ लॉन्ग टाइम एंड बोथ आर एक्चुअली द सेम. सो आई कैन एक्चुअली ट्राई विद दिस क्योंकि क्या होता है अक्सर कि सिंस आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ऐसा हो सकता है कि आफ्टर कंज्यूमिंग दिस मेरे को शायद ये डाइजेस्ट ना हो दिक्कत हो पेट खराब हो सकता है. आई डोंट नो इट कैन हैव एनीथिंग कैन हैपन. सो मैं फर्स्ट ट्राई करके देखता हूँ एंड विल सी हाउ इट गोज. बाय द वे दिस इज अ वनीला फ्लेवर. मैंने चॉकलेट ऑर्डर किया था यार जो भी हो दैट्स द थिंग. एंड इसमें कोई स्कूप नहीं आता है एंड इट इज ऑल्सो सील पैक. सो अगर सील नहीं है कहीं से भी टूटा हुआ है देन आई वुड हैव रिफंडेड. सो दैट्स द होल थिंग. शाम को वर्कआउट करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल यूज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई विल टेल यू कि टेस्ट कैसा है इसका. इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल लेट यू नो वेदर दिस प्रोडक्ट इज इफेक्टिव और नॉट वेदर एनीवन शुड ट्राई दिस ऑर नॉट. आई हैव नो आइडिया. बहुत रिव्यूज बहुत अच्छे हैं. रिव्यूज आर रियली गुड. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो फाइनली माय वर्कआउट इज डन. आज मैंने लेग्स का वर्कआउट किया है एंड दिस इज द थिंग. अब इसको खोलते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट इज. ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और यहाँ पे एक्चुअली बाहर निकला बहुत सारा. सो यहाँ पे एक्चुअली स्कूप है. द स्मेल जो आ रहा है ना ये बहुत स्वीट सा स्मेल आ रहा है.
बट मैंने सुना है, मैंने रिव्यूज़ में देखा है कि इतना अच्छा टेस्ट नहीं है इसका. सो जो भी हो, सो दिस इज़ अ 30 ग्राम स्कूप. मेरे को लगा था स्कूप नहीं है. सो दैट्स द थिंग. सो यूज दिस शेकर और यहाँ पे मार्कर्स आर देयर. सो 250 ml में ये लेना होगा एंड आई विल नॉट बी टेकिंग वन होल स्कूप. मैं थोड़ा कम लूँगा फर्स्ट टाइम. सो आई हैव टू इतना सा ले रहा हूँ, लाइक 20 ग्राम्स इन द वाटर. थोड़ा सा मिल्क पाउडर. स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है. आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट. अगर तुम लोगों को नहीं पता है, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मेरे को आफ्टर जॉन्डिस आई कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क. पाउडर्ड मिल्क मैं डाइजेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं. दिस इज़ अ ब्लेंडर फॉर मिक्सिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. अब दोस्त के साथ ये ज़्यादा मिक्सेबल है बट कांट हेल्प इट, राइट? ओके, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. बस ये खुला था. मेरे चश्मे पे पूरा प्रोटीन शेक भर गया है. हाँ, एक्सीडेंट. तो पहली बार ये सब होता है. इट वॉज रियली हॉट इन देयर, इसलिए मैं इस घर में चला आया. बहुत पसीना निकल गया मेरा. ये टेस्ट में इतना अच्छा नहीं है. इट टेस्ट लाइक फ्लेवर्ड मिल्क और कुछ नहीं. बट आई होप ये इफेक्टिव हो. बट इट्स वेरी ट्रू कि सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना अच्छा नहीं है. आई कैन फील दोस पार्टिकल्स in my throat. This is how it looks, by the way, the color. And also one thing, कि ये वर्कआउट के बाद ही पीना. The only reason is ये बहुत सस्ता है. And सस्ते proteins में क्या होता है कि इसका solubility और digestibility कम होता है, which means that ये soluble नहीं होगा पानी में ठीक से. वही protein देखो, बहुत अच्छे तरीके से पानी में mix हो जाता है, but ये नहीं हुआ. And the second thing is that ये digest होने में ज़्यादा time लेगा. It will stay in your stomach for a longer time than those whey proteins and those stuffs, costly stuffs. ये पीने के बाद मेरा हालत क्या रहता है, whether I'm having any digestive problems या फिर पॉटी ज़्यादा हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ऐसा कुछ अगर होता है तो I will update you on Instagram. The handle is over here. Do follow me on Instagram. By the way, ये पीने के बाद मेरा stomach पूरा full लग रहा है, अभी filled लग रहा है, bloating feel हो रहा है थोड़ा. सो टुडे इज़ द नेक्स्ट नाइट, नॉट डे, क्योंकि आज पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था विद माई बिजनेस एंड वट एवर बिट. तो कल क्या हुआ, आफ्टर आई हैड दैट ड्रिंक ना, फॉर 15 मिनट्स मेरे को ब्लोटिंग फील हुआ. नाउ व्हाट आई मीन बाय ब्लोटिंग, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा था कि शायद मेरे को उल्टी भी हो सकता है. लाइक आई वॉज फीलिंग सो नो फिल्ड इन माई स्टमक. लग रहा था कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, ऐसा लग रहा था मेरे को. सो 15 मिनट तक ऐसा रहा. आई वॉज जस्ट सिटिंग स्ट्रेट एंड जस्ट ब्रीथ ले, मतलब सांस ले रहा था. आई वॉज जस्ट एक्सहेलिंग. बट आफ्टर 15 मिनट्स ये पूरा जो फीलिंग था ये अचानक, मतलब 15 मिनट्स बाद था ही नहीं है, लाइक 12 मिनट्स के बाद से ये फीलिंग जाने लगा. एंड लाइक इट वॉज परफेक्टली फाइन. एंड आफ्टर 2 आवर्स आई वॉज हंग्री, मेरे को भूख भी लग गया था. सो ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं किया था मैंने. सो दिस वन थिंग, मैंने एक्चुअली मसल ब्लेस का गोल्ड, वे गोल्ड ऐसा कुछ नाम है, वो वाला मैंने एक बार लिया था व्हेन आई वाज इन बैंगलोर फॉर सम टाइम. आई हैड द वर्कआउट, मैंने वो लिया था एक ग्लास. आई हैड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट वाज जस्ट लाइक ए चॉकलेट शेक मैं पी रहा हूँ. सो इसमें मेरे को ऐसा फीलिंग आया जो कि ना रिव्यूज़ में दे वर क्लियरली मैंशन कि ब्लोटिंग फील आएगा, विच मेरे को आया. सो जो भी हो, पेट मेरा इट्स परफेक्टली फाइन. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ एम आई एबल टू, मतलब कैसे मैं इसको डाइजेस्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता है मेरा बॉडी के नहीं, ये जानने के लिए यू विल हैव टू स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस चैनल ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक इज हियर, आईडी इज हियर. सो दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर. एंड शायद कुछ दिनों में मेरा वो सेटअप भी आ जाएगा. आई विल ऑब्वियसली लेट यू नो अबाउट इट, ऑब्वियसली. सो दैट्स ऑल आई हैड टू से. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल. अनरैप जिंदगी. इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू रियली वॉन्ट इट यू गेट द टाइम आउट. मेरे साथ ही हो रहा है. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू.